इंडिया में पहला स्टील प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था 1907 में बाय जमशेद जी टाटा और फिर शुरू हुआ स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ। स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड अकाउंटिंग फॉर 57% ऑफ ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर विद 6.5% ऑफ ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन। द इंडियन स्टील इंडस्ट्री हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स ड्रिवन बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टील का यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफी हद तक बढ़ा है। स्टील विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मटीरियल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में एक नेशनल स्टील पॉलिसी एस्टैब्लिश की थी जिसके तहत इंडिया की स्टील मेकिंग कैपेसिटी को 300 मेट्रिक टन तक बढ़ाया जाने का टारगेट रखा गया है बाय 2030। स्टील इंडस्ट्री में ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत है पर ये इंडस्ट्री अपने साथ प्रॉब्लम्स भी कैरी करती है। आइए डिस्कस करते हैं ये सब प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि ये एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मीनिंग इस इंडस्ट्री में आपको पहले मेजर कैपिटल का चंक इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू अर्न समथिंग। एक पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार आपको 7,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी टू एस्टैब्लिश अ स्टील प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1 टन। इतना पैसा अरेंज करना बहुत मुश्किल का काम होता है। सेकेंडली, ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर की जरूरत बहुत पड़ती है और साथ ही साथ वर्क फोर्स भी मैनेज करना बहुत ट्रबलसम होता है। स्ट्राइक्स, लेबर लॉज वगैरह बहुत इश्यूज देती है बिजनेसमैन को। थर्डली, इस इंडस्ट्री में डिमांड प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्टील की डिमांड कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्वांटम मेजर करना मुश्किल हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट जैसे कि स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस वगैरह भी ओनर्स को बेयर करनी पड़ती है। द फोर्थ इश्यू इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करना कोई भी बिजनेस में बहुत टफ होता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टील इंडस्ट्री ये और भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज स्टील इज नॉट एन इजिली मूवेबल कमोडिटी। इंडिया में लॉजिस्टिक्स इज वेरी कॉस्टली। एक खुशखबर ये है कि द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट इज एमिंग टू ब्रिंग डाउन दिस कॉस्ट। द फिफ्थ प्रॉब्लम इज रॉ मटीरियल सोर्सिंग। स्टील प्रोडक्शन में दो तरह के रॉ मटीरियल्स होते हैं, आयरन ओर और कोकिंग कोल। आयरन ओर डोमेस्टिकली अवेलेबल हो जाता है बट कोकिंग कोल इम्पोर्ट होता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये एक इश्यू की तरह साबित हो सकता है। कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, इंडिया का स्टील में पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है। इंडिया में 2020 में इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन इन स्टील वॉज ओनली 75 kg। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक इंडियन का कंजम्पशन था 75 kg। चाइना में ये फिगर है अराउंड 590 kg। 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी एस्टैब्लिश की गई थी विद एन एम टू इंक्रीज दिस पर कैपिटा कंजम्पशन टू 160 kg बाय 2030। द सेवंथ पॉइंट इज अ टेक्निकल इश्यू। इंडियन स्टील प्लांट्स अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 80% तक ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक इश्यूज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यूनियन स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्री जायंट्स के पास प्रॉपर डेटा ना होने की वजह से ओवरऑल स्टील डिमांड फोरकास्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से स्टील प्लांट्स फेस ह्यूज लॉसेस। ये सब प्रॉब्लम्स काफी हद तक इंटरनल इश्यूज थे, बट दिस एट्थ इश्यू इज समथिंग दैट ट्रिगर्स एनवायरमेंटलिस्ट्स। स्टील इंडस्ट्री एक एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से इट हैज अ हाई कार्बन फुटप्रिंट, और ये बात स्टील की डिमांड रिड्यूस कर रही है क्योंकि आज के टाइम्स में हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर एक सोशल प्रेशर रहता है टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। स्टील इंडस्ट्री में भी एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने की कोशिश हमेशा से रही है। तो ये थे 8 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। Subscribe to our YouTube channel for more such videos and do not forget to press that like button, share button, and yes, press that bell icon for more such updates.